हमारे पास एग्जांपल वन क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखो यार, हर कर्व का ग्राफ हम बना तो सकते हैं लेकिन उतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा। तो देखो यार, हम क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे। तो हर कर्व को बनाना जरूरी नहीं है कि हाँ देखो ये कर्व बन रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये इसका एसिम्प्टोट होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, मेथड लगाओ। मेथड क्या है, कोई भी गिवन कर्व है, ठीक है, उसको सिंपलीफाई करो और क्या करो, एक्स के हाईएस्ट पावर और वाई के हाईएस्ट पावर को इक्वल टू जीरो के देखो कोई भी आपको गिवन कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, आप उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप क्या करो, एक्स का हाईएस्ट पावर और वाई का हाईएस्ट पावर इक्वल टू जीरो रखो, ठीक है। और जीरो रखने के बाद आपको जो पॉइंट आ जाए आप बोल दो यही आपके एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। जैसे आप इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या क्या आएगा। देखो पहले एलसीएम लेते हैं, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर ये जो इधर पे है इनको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो देखो इस कर्व में, इस गिवन कर्व में हाईएस्ट पावर कितना है, तो इस कर्व में हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, x के पावर 2 y के पावर 2, मतलब कितना, इस कर्व का हाईएस्ट पावर 4 है। तो किसी कर्व के जितने हाईएस्ट पावर होते हैं उतने एसिम्प्टोट्स होते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इनका 4 एसिम्प्टोट होना ही चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या, ए कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का पावर क्या है, 2 ही है, और यहाँ पे देखो x स्क्वायर का पावर 2 ही है और b स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इनको y के इनका क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 4 मत बोल देना, या फिर इनका हाईएस्ट पावर 4 मत बोल देना, इनका हाईएस्ट पावर 2 है, इनका भी हाईएस्ट पावर 2 ही है, a और b कांस्टेंट है यार। हाईएस्ट पावर कैसे दिखते हैं हम, वेरिएबल से, वेरिएबल कौन से होते हैं, x और y होते हैं, तो उनका देखा जाता है, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, x स्क्वायर हाईएस्ट x स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो हमको एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, ठीक है। क्या, जब हम एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट कोफिशिएंट है एक्स का, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इक्वल टू जीरो रखेंगे उसके कोफिशिएंट को, तो हमको एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, और जब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो रखेंगे तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं Equating to zero, the coefficient of coefficient ICI, किस coefficient के spelling क्या होगा, COEFFICIENT, ठीक है, CI भी होगा, coefficient of highest power of Y, highest पावर ऑफ वाई, इस कर्व में देखो वाई का हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दो, दैट इज ऑफ वाई स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एस द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन बाय, सॉरी वाई एक्सिस आर गिवन बाय, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमको पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक से ज्यादा मिले, ठीक है, इज गिवन बाय, देखो आपके पास वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो उसके साथ जो जो लगा हुआ है वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इस वाले में से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दे, तो देखो यार वाई स्क्वायर कॉमन है तो क्या क्या साथ में जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशियंट बन जाएंगे। तो देखो हम कैसे मिलेगा हमको, जब हम कोफिशियंट को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, और रूट को जब हटाओगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। मतलब क्या, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, हमको क्या मिल गया, दो एसिम्प्टोट जो क्या होंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस के बारे में, तो फिर क्या करते हैं हम इसी इक्वेशन में आल्सो इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज ऑफ एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन में, उसके कोफिशिएंट को जीरो रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, जिसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ऊपर देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, कोफिशियंट है, इनको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब क्या, वाई स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तब हमको क्या मिलेगा, एसिम्प्टोट्स। मतलब क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो देखो यार माइनस बी स्क्वायर है, और रूट के अंदर माइनस वाले वर्ड, माइनस वाले नंबर्स क्या बन जाते हैं, इमेजिनरी नंबर। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो देखो यहाँ से जो दो आपको दोनों एसिम्प्टोट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो रूट के अंदर, अरे यार 2 मिनट, देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, रूट के अंदर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ से हमको जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, विच गिव्स, नीचे दिख रहा है ना, हाँ नीचे दिख रहा है, विच गिव्स इमेजिनरी आइसो एसिम्प्टोट्स, इमेजिनरी IMAZINARY, इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स, ठीक है ठीक है। तो दो आपके कहाँ से मिले, दो आपके जब हमने क्या किया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो रखा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए मिला, और दो तो यहाँ पे देखो मिले, लेकिन क्या है, इमेजिनरी है। तो आपके सिर्फ क्या रिसेंस हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा जगह बना ले, हो गया, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थस ऑल द फोर पॉसिबल एसिम्प्टोट्स आर फाउंड, थस ऑल द फोर पॉसिबल एसिम्प्टोट्स आर फाउंड एंड द वनली रियल एसिम्प्टोट्स आर, एंड द वनली रियल एसिम्प्टोट्स आर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है। और बाकी दोनों क्या थे, यहाँ पे इमेजिनरी थे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले थे वो क्या थे, इमेजिनरी।